सऊदी अरब में इस साल भीषण गर्मी के कारण हज यात्रा के दौरान दुनिया भर से आए 1000 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई है। रेगिस्तानी देश में भीषण गर्मी पड़ने के कारण अन्य कई नागरिकों की तरह भारत से गए 98 नागरिकों की मौत हुई। वहीं मरने वालों में पाकिस्तान से कम 35 तीर्थयात्री भी शामिल हैं। अपने परिजनों का शव लेने के लिए लोग सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, मगर हज के दौरान मरने वालों के लिए इस्लामिक देश में एक खास नियम है। हज के दौरान मरने वाले लोगों के शवों को सऊदी अरब उनके देश नहीं भेजता है। तो आखिर ये कौन से नियम है, चलिए आपको बताते हैं। यदि हज के दौरान प्राकृतिक कारणों या दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु हो जाने पर शवों को उनके देश नहीं भेजा जाता है, बल्कि सऊदी अरब साम्राज्य में प्रचलित प्रथा के अनुसार उनके ही देश में सुपुर्दे खाक यानी कि अंतिम संस्कार किया जाता है। किसी के परिजन की मृत्यु होने पर उनका डेथ सर्टिफिकेट हज सीजन के पूरा होने के बाद सऊदी अरब सीधे उनके करीबी रिश्तेदार या फिर उनके परिजनों को भेजते हैं। दरअसल हज पर आए तीर्थयात्रियों से सऊदी सरकार पहले ही आवेदन के दौरान इस नियम पर हस्ताक्षर करवाती है कि यदि इस अवधि के दौरान सऊदी अरब की जमीन या फिर आसमान में उनकी मौत होती है तो उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। शव को उनके देश लाने के लिए उनके परिजनों की कोई भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। खैर, पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक लोग अपने परिजनों का शव लेने के लिए सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, मगर सऊदी अरब सरकार द्वारा हरमैन में मृतकों के शव दफनाने की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर मौतों की जानकारी नहीं दी है, हालांकि उसने सिर्फ रविवार को ही भीषण गर्मी से निढाल होने वाले 2700 से अधिक मामलों की सूचना दी है। इस्लामिक देश में आम नागरिकों से हज यात्रियों की कठिनाइयों के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही पोस्ट पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। सऊदी का मानना है कि ये व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।